brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एमपी में भी लगातार कांग्रेस और बीजेपी के कद्दावर नेता दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज फिर एमपी के दौरे पर रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। तो पीएम का फोकस अब पूरी तरह एमपी पर हो गया है। यही कारण है कि 10 दिनों के भीतर एमपी का ये तीसरा दौरा पीएम करेंगे। पीएम होशंगाबाद लोकसभा सीट के आसपास की लगभग 6 सीटों को साधेंगे, जिसमें टीकमगढ़, दमोह, सतना, खजुराहो, रीवा और बैतूल सीट शामिल है। पीएम करीब 11:30 बजे नर्मदापुरम की पिपरिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की होने वाली इस सभा में लाखों लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। पिपरिया में होने वाली पीएम की सभा को देखते हुए शहर से गुजरने वाले स्टेट और नेशनल हाईवे की यातायात व्यवस्था बदल दी गई है। इसके साथ ही 12 स्थानों पर अलग अलग पार्किंग निर्धारित की गई है। वीआईपी वाहनों का अलग से रूट तय किया गया है। कार्यक्रम के दौरान भारी वाहनों को शहर के बाहर से ही निकाला जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में पीएम मोदी का एमपी में ये तीसरा चुनावी दौरा है। इसके पहले वो जबलपुर और बालाघाट का दौरा कर चुके हैं। इन दोनों ही सीटों पर पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं अब वो नर्मदापुरम आ रहे हैं, जहां से वो दूसरे चरण में वोटिंग के लिए जाने वाली 7 सीटों को साधेंगे। दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद से मध्य प्रदेश में भाजपा के केंद्रीय नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छिंदवाड़ा में सभा की थी। वहीं बीते गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह ने मंडला और कटनी में जनसभा को संबोधित किया था। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर भी अलग अलग जगह पर जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। अब पीएम दोबारा होशंगा लोकसभा सीट से हुकार भरेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एमपी तक के साथ।